जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईथरनेट नेटवर्क के बारे में। जी हां दोस्तों, इस ईथरनेट का नाम अक्सर आपको सुनने मिलता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आखिर ये ईथरनेट होता क्या है, इसका यूज क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम ईथरनेट की कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा ईथरनेट है, ये बेसिकली एक नेटवर्क है जिसका यूज़ बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने और उनके अंदर डेटा ट्रांसमिशन को करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, इनको कनेक्ट करना होता है, इसको एक नाम दिया गया है, उसका नाम है लैन। जी हाँ दोस्तों, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप जब भी अपने स्कूल में, कॉलेज में या फिर अपने ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर आपके सामने बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो रन करते हैं, जिनके अंदर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो वो जो कंप्यूटर जिस नेटवर्क पर काम करते हैं, उस तरीके के जो नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जी हां दोस्तों, ये ईथरनेट बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। ईथरनेट का यूज करने के लिए, इस नेटवर्क का यूज करने के लिए ईथरनेट केबल्स का यूज किया जाता है। जी हां दोस्तों, आज आप जितने भी राउटर्स यूज करते हैं, आप किसी भी कंपनी का राउटर यूज करें, उसके साथ में आपको एक ईथरनेट केबल दी जाती है। उस ईथरनेट केबल को आप अपने राउटर और कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए और इंटरनेट कनेक्शन को कहीं ना कहीं जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, यहां पर जहां पर भी बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ काम करते हैं, तो वहां पर जरूरत होती है उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की, उनके जरिए एक नेटवर्क को बिल्ड करने की और इंटरनेट कनेक्शन को जनरेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो काम होता है नेटवर्क को बिल्ड करना, ये बेसिक काम होता है ईथरनेट का। ईथरनेट जब एक नेटवर्क को बिल्ड कर देता है, तो वहां पर उसके अंदर फिर डेटा ट्रांसमिशन इजीली किया जा सकता है। दोस्तों इसको और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो ईथरनेट है, बेसिकली एक नेटवर्क होता है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ काम करते हैं, वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है, जहां पर ईथरनेट का यूज करके उन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, उनमें एक इंटरनेट कनेक्शन, जो सेम इंटरनेट कनेक्शन होता है, उन सभी कंप्यूटर्स के अंदर रन किया जाता है और वहां पर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ईथरनेट क्या होता है, इसका यूज क्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।